नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सिटी एसपी ने शहरवासियों से छठ पूजा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। जुबली पार्क के मोड पर नशेड़ियों ने की सरेआम गाली गलौज और मारपीट, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार। कांड्रा में ईटा चोरी के आरोप में पड़ोसी ने चाकू से हमला कर किया महिला को घायल, एमजीएम में भर्ती। छठ पर्व के मद्देनजर घाटों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हुई मुस्तैद। खबरें विस्तार से। जुबली पार्क के मोड़ पर नशेड़ियों ने नंगा नाच किया, सरेआम गाली गलौज और मारपीट की, पुलिस ने दो को गिरफ्तार किया है। एक तरफ शहर में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है, लोग आस्था और विश्वास के पर्व को मनाने में जुटे हुए हैं। वहीं जुबली पार्क के समीप नशेड़ियों ने बीच सड़क पर नंगा नाच किया, जहां खुलेआम बीच सड़क पर नशेड़ियों ने दो युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वो लोग आया बोलते कि हल्का फुल्का पॉकेट नहीं रहना चाहिए, पॉकेट एकदम नहीं रहना चाहिए बोलता। क्या चीज है पॉकेट फाड़ दिया हम लोग का, भगवान जाने वो लोग का क्या काम है, रैगिंग कर रहा था। हाँ ये देखिए, मेरा भी मेरा दोस्त का भी पॉकेट फाड़ दिया। क्या है दिखाओ ऐसे पूरे फुल। क्या बोला? बोलता है पॉकेट नहीं रहना चाहिए, निकल बोलता है यहाँ से। तो तुम लोग प्रेस किया? तो हम कॉल लगा रहे पुलिस को, उस टाइम लगा लग नहीं रहा था। अच्छा, तुम लोग कितना लोग था? हम लोग दो जन थे। अच्छा, क्या हुआ डायरेक्ट आते सर? हम लोग वहाँ पे चाय के नाश्ता कर रहा था, वहाँ पे चाय बिस्किट खा रहा था, आया डायरेक्ट बोलता कि बाबू इधर इधर। तो क्या हुआ? डायरेक्ट पॉकेट फाड़ दिया, बोलता पॉकेट नहीं रहना चाहिए बोलता है। अच्छा, ये मेरा भाई कॉलेज गया था, इसका और ये दोस्त यहाँ चाय पी रहा था घर जाते वक्त के लिए। तो चाय पिया, मेरे को फोन किया, बोला कि भैया देखिए, मतलब हम लोग यहाँ खड़े थे, हम लोग का पॉकेट फाड़ दिया। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो हम लोग आए वही, ठीक है, हम लड़का वही सिगरेट पी रहा था, पूरा दारू पिया हुआ था, मैका हुआ। अच्छा। था, ठीक है। इसका और इसका दोस्त का दोनों का पॉकेट फाड़ दिया। जब आके पूछते हैं तो बोला, पहले एक लड़का था आके पूछता, तो बोला भाई गलती से फटा, गलती से एक जन का फटा है, ठीक है, दोनों बच्चे का नहीं फटता। ठीक है, तो दोनों बच्चे का फाड़ा, जो भी पॉकेट में पैसा, और बोल रहा था पैसा वैसे के लिए भी मांग रहा था। जितना लड़के साथ दारू पिया होता, पहले चाय वाले से पूछे कि वो लड़का लोग कहाँ पता नहीं पता। फिर उसके बाद जब उसका और दो चार लोग आ गया, तो चाय वाला माने अभिषेक जुबली वाला, वो भी वहाँ से चिल्ला रहे थे जाओ 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 करके। ये पता नहीं, वो भी मेरे को ये लोग सबको यहाँ पर यही सब कर रहे थे, यहाँ अड्डाबाजी करवा के बस झगड़ा लगवाते थे आके। फिर उसके बाद देखिए क्या हाल किया है। आपको मारा? तो वीडियो हो गई। रुको, आपको मारा? मारा है देखिए ये सब। और क्या काम करते हैं आप? हम टाटा स्टील में जॉब करते हैं। आप किसके बुलाने पे आए थे? मेरे भाई को बुलाने पे आए थे। इधर सिटी एसपी ने शहरवासियों से छठ पूजा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व के अवसर पर शहरवासियों से अपील करते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि पूजा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को नदी से दूर रखें। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर जमशेदपुर के शहरवासियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन। लोगों से अनुरोध है कि छठ पूजा के दौरान जब आप घाट पे जाएं तो छोटे बच्चों को नदी से दूर रखें। प्रशासन की जो हेल्प डेस्क वहाँ बनी हुई है, अगर कोई समस्या हो तो आप उस सहायता केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग वहाँ मौजूद रहेंगे ताकि आप छठ बहुत ही अच्छे से मना सकें बिना किसी तकलीफ के। छठ मनाने के दौरान कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें और सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए, उन नियमों का आप अनुपालन करें। लोक आस्था के इस महापर्व पे
जमशेदपुर पुलिस की तरफ से शहर वासियों को हार्दिक बधाई। वही कांड्रा में ईटा चोरी के आरोप में पड़ोसी ने चाकू से मार कर एक महिला को घायल कर दिया। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कांड्रा स्थित बालीडी गांव में बीती रात ईटा चोरी के आरोप में पड़ोसी ने सुइना मंडल नामक महिला की तेज हथियार से गर्दन पर वार कर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायल महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। भाई के बीवी है। क्या नाम इनका? इसका रवीना मंडल। रवीना मंडल कहाँ रहते हैं आप लोग? कांरा में रहते हैं। कांरा बालीडी थाना। थाना कांरा। कांरा थाना। हाँ। कौन मारा इनको? कहाँ? नोगेन। नोगेन। नोगेन कहाँ का है? बालीडी का है। आपके गांव का है? हाँ, हम लोग का गांव का है, बालीडी का। क्या चीज से मारा इनको? कैसे मारा? कैसे मारा? वो छुरी से मुंह में कपड़ा घुसा दिया, पूरा गोला दाब के छुरी मार दिया। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वही ईटा के लिए। क्या? ईटा चोरी हो गया, इसीलिए ये लोग को बोल रहा है, वही पर ये लोग सोता है। अच्छा, तो बोलता है ये लोग, बोलते हम थोड़ी देखे हैं, रात को कौन ले गया, देख लो मेरा घर। वो लोग क्या बोला? आप ये लोग चोरी किया बोला? हाँ हाँ, वो लोग बोल रहे ये लोग चोरी किया है। वही छठ पर्व के मद्देनजर मानगो थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। छठ पर्व के मद्देनजर मानगो थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन की गई। बैठक में थाना प्रभारी विनय कुमार सहित शांति समिति के सदस्य गण उपस्थित थे। आज मानगो थाना के शांति समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक में आने वाला त्यौहार जो छठ त्यौहार है, पवित्र त्यौहार हिंदू भाइयों का, इस त्यौहार पर सारे मुद्दे पर बातचीत हुई। हमारे मानगो थाना प्रभारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किसी तरह भी हम लोगों को कोई चीज़ का तकलीफ नहीं होने देंगे। हमारे मुस्लिम भाई थे, सिख भाई थे, तमाम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारा जो हिंदू भाई का जो पवित्र त्यौहार छठ का है, ये छठ के त्यौहार में हम लोग उनके साथ रहेंगे, साथ मिलकर उनके साथ त्यौहार मनाएंगे और किसी तरह का किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। और इसलिए साथ देंगे क्योंकि भाई हमारे हिंदू भाई के लोग का ये पवित्र त्यौहार जो छठ है, इसमें वो बिजी रहेंगे तो दूसरे धर्म के लोग उनको सहयोग करके उनका त्यौहार मनाने में उनके साथ देने को काम करने के लिए आज मानगो थाना में एक बैठक रखी गई है। साथ ही छठ पर्व के मद्देनजर बागबेड़ा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। छठ पर्व के मद्देनजर बागबेड़ा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ पर्व को मनाया जाएगा। बैठक में सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव, थाना प्रभारी कौशलेंद्र झा, जिला परिषद सदस्य किशोर यादव समेत शांति समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया। वहीं बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कौशलेंद्र झा ने बताया, शांति समिति की बैठक की बात जरा थाना है और इस परिसर में सभी लोग सभी समिति से आए थे, अपनी समस्याओं को रखा, प्रशासन ने अपनी बात कही और एक बीच के सामंजस्य और दोनों के समन्वय के साथ छठ पूजा को अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए हम लोग जो है एक अपना स्ट्रेटेजी बनाए हैं। और मुख्य रूप से किन किन बातों पर चर्चा की गई सर? मुख्य रूप से घाट की लाइट की, पानी की व्यवस्था इत्यादि। हाँ, सभी जो है स्थानीय पूजा समिति के द्वारा कृतक बीच किया गया है। प्रशासन को उनका फोन नंबर वगैरह भी अवेलेबल कराया गया है, कराया जा रहा है, तो सभी जगह गोता खोज भी रहेंगे और साइड में बैरिकेडिंग वगैरह भी करवा के पानी दबाव पानी क्षेत्र में। छठ पूजा को लेकर शांति समिति सदस्य और छठ पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई थी, उसमें कोविड गाइडलाइंस
का जो है पालन करते हुए छठ पर्व को मनाने का निर्णय लिया गया है, और साथ ही कैसे सुगम बनाया जाए, किसी को छठ व्रतियों को कोई दिक्कत ना हो और ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे हो, इस पर विस्तृत चर्चा की गई है। बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। पुलिस फोर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, दंडाधिकारी भी तैनात हैं, छठ व्रतियों को जो है कोई असुविधा नहीं होने देंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के अवसर पर राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा छठ व्रतधारियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। मानगो स्थित दाई गुट्टू में बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से छठ व्रतधारियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सांसद विद्युतवरण महतो, संस्था के अध्यक्ष विकास सिंह समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। बहुत ऐसे लोग हैं, कोविड की मार है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं कई लगभग 6 वर्षों से निःशुल्क फल सामग्री बांटता हूं, उसमें दादा विद्युतवरण महतो जी हमारे लोकप्रिय सांसद, इनका भरपूर सहयोग हर रूप से मिलता है, तन मन धन से मिलता है, समय देते हैं, ये आते हैं, इनके आने से हम लोगों को हिम्मत मिलता है। उठता है छठ, एक महान पर्व है, देवताओं की जो है हम लोग अर्घ देते हैं और कामना करते हैं परिवार के साथ, पूरा संपूर्ण देश समाज सुख समृद्धि उन्नति और हर तरफ से सुरक्षित रहे, और छठी मैया ने इसे को हमेशा आशीष देकर हम सबों को समाज में बेहतरीन काम करने का प्रेरणा देती है, आशीर्वाद देते हैं। साक्षी स्थित रामलीला मैदान के समीप निशुल्क सेवा संस्था की ओर से 2500 नींबू का वितरण किया गया। शिविर हमारा लगा है, ये हमारे बड़े भाई श्री समाज सेवी श्री मनोज जायसवाल जी की ओर से निशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है। कदमा स्थित बाजार में संकल्प और निर्माण संस्था की ओर से छठ व्रतधारियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। स्टार्टिंग कितने से किए थे आप? स्टार्टिंग हम लोग 150 सूट से किए थे। उलियान क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा छठ व्रतधारियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। कितने लोगों को बांट लिया? ऐसे तो लक्ष्य 200 का है, अब ये जितना अधिक से अधिक हो जाए तो भी अच्छा है। साक्षी MGM गोल चक्कर के समीप तेलिक साहू महासभा की ओर से छठ व्रतधारियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। आज हम लोग अखिल भारतीय तेलिक साहू महासभा के द्वारा साक्षी भामाशाह चौक में निःशुल्क छठ व्रतधारियों के बीच में सूप वितरण किए हैं। सूप एवं पूजा का जो सामग्री है, सामग्री वितरण किए हैं और संस्था के द्वारा वितरण किया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। काली भाषण तालाबों में छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान मंत्री आलमगीर ने अब तक किए गए इंतजामों को लेकर पूजा समिति के सदस्यों से जानकारी ली, शहर की साफ सफाई के बारे में भी जानकारी ली और राज्य के लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। और पोटका प्रखंड कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष आनंद दास के नेतृत्व में मंगलवार को नेताओं का बैठक हाता रामगढ़ आश्रम में आयोजित हुआ, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी को जिताने का फैसला लिया गया। वहीं इस संबंध में प्रखंड अध्यक्ष आनंद दास और सुबोध सरदार ने कहा कि मंगलवार को बैठक कर कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज का बैठक है हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, पोटका प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से यही निर्णय लिया पार्टी की, जो हमारा कार्यकर्ता है रीढ़ है, कि हमारे 34 पंचायतों में मुखिया पंचायत समिति का जो अस्तित्व तो है उसको बचाने के लिए जो भी संगठन के कार्यकर्ता लोग हैं, नेता लोग हैं, जो भी इच्छुक है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, चाहे जिला परिषद हो, वार्ड मेंबर हो या मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल।
रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को, जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत वेरी नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं, हमारे पास हम सेवा करते हैं। चौबीस घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है और सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 एंड 8084704699। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के पोटका बीडीओ और सीओ ने छठ घाट का निरीक्षण किया। पोटका प्रखंड के बीडीओ महेंद्र रविदास और सीओ इम्तियाज अहमद जादूगोड़ा थाना प्रभारी ने नरवा छठ घाट का मंगलवार को निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में छठ व्रती इस जगह में छठ पूजा करने पहुँचते हैं। जमशेदपुर के मानगो में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पर्व मनाने की अपील की। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोक आस्था के महापर्व के मौके पर मंगलवार को छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया, साथ ही राज्य के लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। देखिए, ये लोक आस्था का महापर्व है और इस लोक आस्था के महापर्व पर हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ये पर्व पवित्रता का, सादगी का, प्रेम और विश्वास का पर्व है, आस्था का पर्व है और इस पर्व में हम सभी लोग बहुत ही
पवित्रता के साथ अपना पूजन करते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने कुछ छठ व्रतियों के लिए कुछ सूप वगैरह की व्यवस्था की है। मैं अपने साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं और जमशेदपुर के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि सादगी से भी, पवित्रता से भी, आस्था के साथ भी, लेकिन सुरक्षा और कोविड 19 के गाइडलाइन का भी पालन करते हुए अपने इस लोक आस्था के महापर्व को मनाना चाहिए। और ग्राहकों के विशेष मांग पर बिरसा नगर स्थित संडे मार्केट में खुला बेल्जियम बैकेट्स बेकरी। बिरसा नगर स्थित संडे मार्केट में बेल्जियम बैकेट्स नामक बेकरी दुकान ग्राहकों के विशेष मांग पर खोला गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बेकरी के प्रोपराइटर मोहम्मद शमीर उर्फ राजू ने बताया। बेकरी का नाम बेल्जियम बेकरी है और हमारा नाम समीर अहमद हुआ। ये बेकरी खोलने का उद्देश्य यहाँ पे ये है कि बिरसा नगर में कोई भी अच्छा बेकरी नहीं था। अच्छा नहीं किया मतलब शायद नहीं है, यहाँ से लोग साक्षी वगैरह जाते थे, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि अच्छा बेकरी खोला जाए। और पटमदा के कृष्णा पदो मोदी हत्याकांड मामले में नामजद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंपा। पटमदा थाना स्थित डीगी गांव में विगत 5 नवंबर को कृष्णा पदो मोदी की हत्या कर उनके शव को जंगल में फेंक दिया गया था। इस हत्याकांड मामले में मृतक के परिजनों ने थाना में नामजद आरोपी सुजीत कर्मकार एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पटमदा पुलिस के कार्यशैली के खिलाफ ग्रामीणों ने सिटी एसपी को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मेरा भैया है वो कृष्णा पदमुदी मेरा भैया है। क्या हुआ? इसका घर से मार के ले गया, उसका घर के बुला के ले गया और मार कर दिया। कौन? सुजीत कर्मकार ने। सुजीत कर्मकार? हाँ। वो कहाँ का है? सुजीत कर्मकार दिखी का ही है। अच्छा, काहे बुलाया था? दोस्ती आ रही है? हाँ, दोस्ती है। अच्छा। वही खेती बाड़ी करने जाते हैं एक ही साथ, और दोस्ती ने वही कर दिया बुला के। काहे मारा? तालाब तो नहीं मारा, इसका जंगल में मिला लाश को। अभी कहाँ है जो मारा है? नहीं नहीं, जो मारा वो कहाँ है? घर में है, अभी तक घर में है। क्यों? कानून उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। मांग क्या कर रहे आप? मांग क्या कर रहे हैं? उसको गिरफ्तार करना चाहिए जो मारा है। हाँ, वही मारा आप लोग को लग रहा? हाँ। आप लोग लिख के दिया था नाम है? लिख के दिया था, लेकिन दूसरा लोग ने दूसरा बोल के लिख दिया एप्लीकेशन, सही सही नहीं लिखा है। मेरे पिताजी मम्मी की बात नहीं सुने। वो पकड़ाया नहीं अभी तक? अभी तक नहीं पकड़ा है। कौन थाना? थाना पटमदा। क्या नाम आपका? मेरा नाम सस्ता मोदी है। कौन था वो जो डेट कर गया है? मेरा भैया। क्या नाम था? कृष्णा पदम मोदी। और मानगढ़ स्थित बगानशाही में कांग्रेस पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। मानगो स्थित बगानशाही में कांग्रेस पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अब भी देखिए
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, 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 बन्ना गुप्ता। केंद्रीय जो अध्यक्ष है हमारी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेंद्र ठाकुर जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी और जिला अध्यक्ष विजय खान के निर्देश अनुसार ये कांग्रेस पार्टी का इस सदस्य ये अभियान चालू किया गया है। अभी हम क्या नाम है ये 299 जो बूथ ले है उसका हम लोगों ने एक फार्म भरा जा रहा है, एक लिस्ट दी जा रही है और हर किसी से 5 रुपये लेकर दिया जा रहा है, मेंबर बनाया जा रहा है। और इधर अभी हम दो तरह का काम कर रहे हैं, एक तो 299, एक 325 जो बूथ है इनका मेंबर बनाया जा रहा है। अभी हम बगान शाही क्षेत्र में आए हुए हैं और मॉर्निंग में सुबह में हम जवाहर नगर क्षेत्र में गए हुए थे। तो और कब तक चलेगा ये तो अभियान? लगातार चलेगा, हो सकता है 2-3 महीने तक लगातार चलता रहेगा अभियान तो है, क्योंकि ये हमारा मकसद क्या है, एक कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती की तरफ ले दिशा में लेकर जाना है और हमारी जो सोनिया गांधी हैं और उनको और हमारे राहुल गांधी को केंद्र में लेकर आना है। विजय प्रतीक स्वर्णिम मशाल के साथ वर्कथॉन में दिखी देशभक्ति, लोगों ने लगाए भारत माँ के जयकारे। विजय प्रतीक स्वर्णिम मशाल के साथ सोमवार को वर्कथॉन का आयोजन किया गया। सुबह 7:30 सोनारी आर्मी कैंप से विक्ट्री फ्लैम के साथ रैली निकाली गई। वर्कथॉन की शुरुआत सेंचुरियन वॉर मेमोरियल से की गई। आर्मी कैंप से शुरू होकर जुबली पार्क के रास्ते होते हुए सीएच एरिया कदमा सोनारी लिंक रोड होते हुए वापस आर्मी कैंप पहुंचकर समाप्त हुई। जहां जहां मशाल गुजरी वहां लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। वॉकथॉन में कमांडिंग अफसर कर्नल मोहित सहाय, कर्नल रजत कुमार, कर्नल अमित भारद्वाज, पूर्व सैनिक के सदस्य सुशील कुमार सिंह, डॉक्टर कमल शुक्ला, अशोक श्रीवास्तव, मुकेश सिंह, गोविंद राय शामिल थे। मंगलवार को शहर में स्वर्णिम मशाल का भ्रमण कराया जाएगा। विक्ट्री फ्लेम सोनारी आर्मी कैंप से निकल साई मंदिर, मरीन ड्राइव, महाराणा प्रताप चौक होते हुए बिष्टुपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी पहुंचेगी। वहां विक्ट्री फ्लेम को गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वहां से विक्ट्री फ्लेम केंद्रीय विद्यालय पहुंचेगी, वहां बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता होगी। Oh, my God.
शामिल करके कुछ देर है, तो सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने घर को रवाना करें, क्योंकि आज कई समय होगी सख्त होगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये स्वर्णिम विजय वर्ष हमारे 50 साल 1971 वॉर के होने पे मनाया जा रहा है, और ये जो मशाल है ये जो चारों दिशाओं में चली थी वो सदन विक्ट्री क्लेम आज यहाँ पहुँची है, जो हमारे देश के अदम्य साहस को दर्शाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने इतिहास का ये स्वर्णिम अध्याय मालूम हो, और इसके लिए हम केंद्रीय विद्यालय टाटानगर पिछले प्रिंसिपल मिस्टर एसआर खान के बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन करा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सिटी एसपी ने शहरवासियों से छठ पूजा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। जुबली पार्क के मोड़ पर नशेड़ियों ने की सरेआम गाली गलौज और मारपीट, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार। कांड्रा में ईटा चोरी के आरोप में पड़ोसी ने चाकू से हमला कर किया महिला को घायल, एमजीएम में भर्ती। छठ पर्व के मद्देनजर घाटों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हुई मुस्तैद। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।